आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक शांति देता है, लेकिन धन नहीं देता। धन बुद्धि से कमाया जाता है और बुद्धि को सही तरह से प्रयोग करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। मैंने कभी ज्ञान भौतिक जगत में लगाया ही नहीं, आज से लगाऊंगा और सबको बताएंगे कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन में कोई बाधा नहीं है। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राशिव है और मैं ज़्यादातर जो है आध्यात्मिक वीडियोस बनाता हूँ और पिछले कई सालों से मैं आध्यात्मिक सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन आज का पूरा दिन मैंने इस बात को सोचने पर बिताया है कि अध्यात्म में जागृति आने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती भौतिक जीवन में, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। मुझ में देखो, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, और वो सब कर सकता हूँ जो लोग सफल, जो आज सफल कहलाते हैं ना लोग, वो सब कर सकते हैं। उनमें और मुझ में एक अंतर है जो बहुत बड़ा अंतर है, जिसको वो पूरे जीवन चाहे कितने भी सफल हो जाएं, उस अंतर को वो कभी नहीं मिटा सकते। पता है वो क्या है? वो है भौतिक शांति, मन की शांति। मन पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। आज जो मैंने अध्यात्म से सीखा है वो ये कि हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। अध्यात्म में मैं जो कुछ भी बोलता हूँ या जो कुछ भी सत्संग करता हूँ वो बहुत कम लोगों को समझ में आती है, क्योंकि जिसमें परिवर्तन होता है उसे ज्ञान लेने में मज़ा आता है, क्योंकि उसके अंदर में वो चीज़ है, ज्ञान आंतरिक है। हम किसी को दे नहीं सकते ज्ञान, तो उनमें ऑलरेडी ज्ञान है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो चाहे कोई भी हो। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ही होता है, ज्ञान सूक्ष्म है, ज्ञान आंतरिक है, लेकिन बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, बुद्धि स्थूल है। सक्सेसफुल इस भौतिक संसार में सफलता के लिए ज्ञान नहीं बल्कि बुद्धि की जरूरत है। जिसके पास बहुत ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है ना, वो भौतिक रूप से सफल नहीं होगा। आप देखो संतों को, फकीरों को देखो, क्या कहते हैं? भाई मेरी पॉकेट में तो पैसे ही नहीं है, मेरे को तो पैसे से कोई लेना देना ही नहीं है, कहते ना, क्योंकि उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जीवन के बारे में। और वो जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीवन से कट ऑफ करते हैं और भगवान की लय में लग जाते हैं। मैं भी साधना करता हूँ, मुझे भी वो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है गुरुदेव के माध्यम से। लेकिन मुझे एक चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हम शांत हो जाते हैं और बैक सीट में चले जाते हैं, तो ये संसार जो है ना, इस संसार को हम क्या दे रहे हैं? ज्ञान तो दे नहीं सकते, चाहे लिख दो, चाहे बोल दो, चाहे सत्संग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ज्ञान नहीं दे सकते, लेकिन बुद्धि दे सकते हैं, बुद्धि को दिशा दे सकते हैं। तो आज के बाद मैंने डिसाइड किया है कि मेरे इस आध्यात्मिक चैनल पे मेरा मेन फोकस रहेगा जीवन में सफलता को लेकर। भौतिक शांति और सफलता, ये दोनों होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति सफल है तो वो शांत भी है, जरूरी नहीं है, क्योंकि भौतिक सफलता शांति नहीं देती। शांति देता है आंतरिक ज्ञान। जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान है वहां पर भौतिक सफलता भी होनी चाहिए। भौतिक सफलता इसलिए होनी चाहिए क्योंकि नव निर्माण है, युग का नव निर्माण है, इस संसार का नव निर्माण है, और ज्ञान के आधार पर ही उसे किया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो 6 महीने तक आप इस चैनल को फॉलो करो। देखो, जो मैं कह रहा हूं ना वो मैं खुद भी करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ज्ञान बकूंगा। एक बार की बात है कि एक संत थे, संत के पास एक व्यक्ति गया अपने बेटे को लेकर। उसने कहा, जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, संत जी आप इसको मना करो, एक तो इसकी सेहत के लिए भी खराब है और इतना गुड़ खाना लॉस भी है हमारा। तो संत ने कहा, ठीक है बेटा, इसको आप 15 दिन के बाद लेके आना। तो वो चला गया, 15 दिन के बाद आया तो कहा, महाराज आपने बोला था कि 15 दिन बाद आना। तो संत ने कहा, आप इसे ले जाओ और 15 दिन के बाद लाना, और 15 दिन तक इसको जी भर के गुड़ खाने दो, मना मत करना। उन्होंने बोला, ठीक है। 15 दिन बाद आते हैं, 15 दिन बाद कहते हैं, संत महाराज आपने बोला था कि 15 दिन बाद आना। तो संत ने बेटे को पास बुलाया, बोला, बेटा गुड़ खाना बुरी बात है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुड़ मत खाया करो। तो लड़के ने बोला, ठीक है महाराज। लड़के के पिताजी ने कहा, महाराज इतनी ही बात बोलनी थी तो 15 दिन पहले बोल देते। तो संत ने कहा कि 15 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, जब मैं खुद गुड़ खाता हूँ और इसको गुड़ खाने के लिए मना करता तो मेरी बात का असर नहीं होता, इसीलिए
पिछले 15 दिनों से मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया है और हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब मेरी बात में प्रभाव है, अब तुम्हारा बेटा गुड़ खाना छोड़ देगा। तो ये जो 6 महीने की बात मैं कर रहा हूं और मैं अपने खुद की परिवर्तन की बात कर रहा हूं, आज पूरा दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ सोचा है कि मुझे क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान को मैं कैसे अपने भौतिक जीवन को संवारने में प्रयोग में लाऊं, क्योंकि हमारा जो सत्संग है ना, ये सारा का सारा जो है ये डोनेशंस पे चलता है, सहयोग पे चलता है। आज व्यक्ति सहयोग करता है, कल नहीं करता है, हमारे तो लाले पड़ जाते हैं, किससे मांगे, हर बार हाथ क्यों फैलाएं, क्योंकि हमारा परिवार है। जब हमारे गुरुदेव ने कहा है कि भौतिक जीवन में रहते हुए साधना करनी है, तो जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई है जो बहुमूल्य है, तो हम उसे अपने जीवन में क्यों प्रयोग नहीं कर सकते। सिर्फ इसलिए कि मेरी जो दिशा थी वो सिर्फ ये थी कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान देना है लोगों को, लेकिन अब मैंने रियलाइज किया है कि आध्यात्मिक ज्ञान दिया ही नहीं जा सकता, अगर कुछ दिया जा सकता है तो वो है बुद्धि को दिशा। तो आज के बाद अपने आध्यात्मिक ज्ञान से मैं लोगों की मदद करूंगा, उनको जीवन में जो अलग अलग क्षेत्र हैं जिनमें उनको समस्याएं हैं, कैसे हम अपने ज्ञान से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आप किसी भी समस्या से पीड़ित हो भौतिक जीवन में, चाहे नौकरी है, चाहे धन है, चाहे घरेलू कोई बात है, या कोई भी बात है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, उसे आध्यात्मिक ज्ञान से सुलझाया जा सकता है। सबसे पहले जो मैं केंद्रित करूंगा वो इस चीज पे कि सफलता और असफलता ये दोनों निर्भर करती हैं आपकी बुद्धि पर। इस संसार में कोई ज्यादा बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, ऐसा नहीं है। सबकी बुद्धि एक समान है, सिर्फ बुद्धि को प्रयोग करने के प्रयास अलग अलग हैं। अगर आप प्रयास करोगे ना, तो आपके पास भी तीक्ष्ण बुद्धि है। प्रयास जो है ये सबके अलग अलग होते हैं, बस आपको प्रयास करना है। और प्रयास क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि कुछ लोग जब प्रयास करते हैं तो घोड़े की तरह करते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं तो गधे की तरह करते हैं। गधे की अपनी क्षमताएं हैं, घोड़े की भी अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में कोई गधा नहीं बनना चाहता, सब घोड़े बनना चाहते हैं, वो भी उड़ने वाले। अगर आपको अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेरे साथ आइए, जैसा मैं कहता हूं वैसा कीजिए, आपके साथ साथ मैं भी करूंगा। भौतिक जीवन में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका फोकस, आपका फोकस और आपकी प्लानिंग। अगर आप सही प्लानिंग करोगे और सही एग्जीक्यूशन करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे, चाहे आपके पास बुद्धि कम है चाहे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जरूरी है प्लानिंग। आज मैंने एक चैनल खोला है, इसका नाम है कट कॉपी एंड पेस्ट, ये एक वीडियो एडिटिंग चैनल है। मैंने इसलिए शुरू किया है क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में, मैं खुद अपने लिए भी फॉलो करूंगा। यूट्यूब आज सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, उसने हर किसी को जॉब दी है। आप भी अपनी क्षमताओं को प्रयोग में लाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हो। पहले चयन करो कि आपको करना क्या है, फिर उसका प्रॉपर ब्लूप्रिंट जिसे प्लान कहते हैं, प्लान बनाओ। बिना प्लान के कुछ भी करने मत जाओ, कुछ भी करने मत जाओ। प्लान जो है वो आधार है बिल्डिंग का। इसीलिए मैंने जो चैनल बनाया है, सबसे पहले मैंने प्लान किया है कि मुझे क्या करना है। मुझे, मेरा गोल है सफलता, या YouTube से मुझे धन कमाना है ताकि मैं अपने भौतिक जीवन को चला सकूं, ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, और मुझ में कुछ ऐसा है कि मैं दुनिया को दे सकता हूं। तो मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं फिल्मों के रिव्यूज़ करता हूं, मैं आध्यात्मिक चैनल में सत्संग करता हूं, मैं संस्कृत पढ़ाता हूं, खुद भी सीख रहा हूं, पढ़ाता भी हूं, डेली ब्लॉग्स भी करता हूं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं करना चाहता हूं। ये जो आज से जो मैं करना चाह रहा हूं, ये मैं नहीं करना चाहता, बल्कि ये डिमांड है। आज सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, उनको एडिटिंग की जरूरत है, कैसे एडिट करना है, फोटो एडिट करनी है, वीडियो एडिट करनी है, तो ये डिमांड है। और दूसरी बात जो है वो ये कि आज अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ एडिटिंग से लेकर, सपोज करो कि मुझे क्लोनिंग करनी है, 4 या 5 लोग मेरे साथ खड़े करने हैं, जैसे कैसे हो भाई, बढ़िया है भाई, तो ये देखिए, तो जैसे कि अभी आपने देखा ये क्लोनिंग है, ये तो मेरा टैलेंट है ना, मेरे पास है ना, बस मैंने कभी इस पे वीडियोस नहीं बनाए। तो ये वीडियो अगर आज मैं बनाता हूं तो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी ये वीडियो पे मुझे दोबारा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 साल बाद भी लोग देख सकते हैं, ये एसेट होगी मेरी। तो मैंने जब प्लान किया कि मुझे कुछ करना है, तो मुझे ये देखना है कि क्या मैं रोज रोज नया कुछ कर रहा हूं, कब तक करूंगा।
तो सबसे पहले जब आप कुछ करने जा रहे हो, सबसे पहले आपका जो आइडिया है वो सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए, ये प्लानिंग का हिस्सा है। उसके बाद आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको देखो कि मैं मुझे क्या करना है, किसके लिए करना है, कैसे करना है। बिना उसके मत करो, बिना गोल के कुछ भी मत करो। तो सबसे पहले आइडिया, आइडिया कहां से आएगा? ये नहीं कि वो कर रहा है मैं कर लूं, नकल नहीं, नकल नहीं, चोरी नहीं। आप अलग हो, आपके अंदर क्षमता है, बस आपको पहचानना है कि आप क्या करते हो डेली में, जो बेहतर करते हो, जो अच्छा करते हो वही करो, वही करो। लेकिन अपने लिए नहीं, अब ये देखो कि दूसरे को मैं क्या दे सकता हूं। तो ये एडिटिंग जो ये जो वीडियो है, ये 6 महीने में मैं इसमें लगभग 100 वीडियोस डालूंगा। अगर मैं रोज एक वीडियो नहीं भी डालता हूं तो हो सकता है 2 दिन बाद एक वीडियो डालूं, लेकिन ये जो 100 वीडियोस हैं ये मेरी एसेट्स हैं। और 6 महीने बाद पता चलेगा कि ये जो चैनल मैं बनाऊंगा ये मुझे यूट्यूब से पैसे कमा के देगा कि नहीं। आप मेरे साथ रहो, आप अपना एक चैनल खोलो, क्योंकि अब आप जब इस चैनल से जुड़ोगे ना तो जो भी आप कर रहे हो आप मुझे प्रश्न भेजना कि मैं ये कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं, अगर वो मेरी नॉलेज में है। लेकिन आपकी नॉलेज में जरूर होना चाहिए, आपके पास बुद्धि है, मैं सिर्फ आपको प्लान बता सकता हूं, लेकिन प्रयास आपको करना है। सफलता आपके अंदर है, इसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। ये कोई मोटिवेशन, मैं आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि गधा नहीं बनना है, अंधाधुंध काम नहीं करते जाना है। प्लानिंग, 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 प्लान जो आपका आइडिया है, जो आपका टैलेंट है, जो आपकी एग्जीक्यूशन है, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्लान। प्लान एकदम से जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, सोच समझ के करना है। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने से पहले मैंने थंबनेल बनाया है। ये देखो थंबनेल, इसी थंबनेल को देख के आए ना, क्योंकि ये सच्चाई है। आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक शांति देता है, आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक शांति देता है लेकिन धन नहीं देता, आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक शांति देता है लेकिन धन नहीं देता। धन बुद्धि से कमाया जाता है और बुद्धि को सही तरह से प्रयोग करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। मैंने कभी ज्ञान भौतिक जगत में लगाया ही नहीं, आज से लगाऊंगा, आज से लगाऊंगा और सबको बताएंगे कि आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन में कोई बाधा नहीं है, बल्कि भौतिक जीवन में प्रकाश करने वाला आध्यात्मिक ज्ञान ही है। जो बुद्धि सबके पास होती है लेकिन सब उसको प्रयोग में नहीं ला सकते। अगर आप आध्यात्मिक जीवन में किसी व्यक्ति से जुड़ते हो, किसी ज्ञानी व्यक्ति से जुड़ते हो, मोटिवेशन स्पीकर से नहीं बल्कि उस व्यक्ति से जो अध्यात्म में है, जो जीवन को जानता है, जो बुद्धि को, मन को, प्राण को, शरीर को, आनंद को, क्षमताओं को जानता है, जो जानता है कि भौतिक जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि बिना भौतिक जीवन के अध्यात्म का कमल नहीं खिलता। आप इस चैनल से जुड़िए, मैं अपने चैनल पे जो भी करूंगा, जो भी प्लान लाऊंगा या जो भी थंबनेल बनाने हैं या जो कुछ भी करना है वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम सही प्रयास करेंगे और प्लान करेंगे, प्लान करेंगे, प्लान करेंगे। जय श्री गुरुदेव, नमस्कार।